बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ। अच्छा, इसके मेरे जो है ग्रुप के जो मेंबर हैं, स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप के, उनकी भी कुछ रिक्वेस्ट थी, मेरे क्लाइंट की भी रिक्वेस्ट थी कि भाई एमएफएल म्यूचुअल फ्रूट फॉर्म के बारे में आप कुछ बताइए टेक्निकली। थोड़ा हम जरा टेक्निकली से पहले तो फंडामेंटली देख लें। तो यहाँ पे देखें, इसकी अभी जो क्वार्टरली अर्निंग आई है वो 2 रुपये 69 पैसे है। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री हम देख लें कि यहाँ पे इसने ये ऑल टाइम जो हाई किया था वो तकरीबन 575 रुपये का था। इसने फिर यहाँ पे राइट दिए थे 190%, 190.5%। इसके बाद हम देखें इसमें मजीद डिक्लाइन आता जा रहा है। अगर मंथली पे, ये तो मैं आपके साथ वीकली शेयर कर रहा हूँ, तो मंथली पे अगर देखें तो ये यहाँ पर ये एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था 237 का, जिसको ब्रेक किया यहाँ पे ये तकरीबन 21 फरवरी 2022, 21st of 5 2022। इसके बाद जो है फिर ये यहाँ पे, अब ये देखें यहाँ पर आ गया ये। मैं आप इसको जरा सा एक्सपेंड कर दूं और आपको बता दूं, यहाँ पर ये मतलब काफी नीचे आ गया था यहाँ पे। अब यहाँ पर भी लोगों को देखें, मैं अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोग अपने स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं, आबिद भाई चल नहीं रहा है चल नहीं रहा है। मैंने कहा इसको होल्ड करें, कोई भी आपके पास स्टॉक है जो अक्यूमुलेशन फेज में है उसको आप रखें। हर स्टॉक का अपना साइकिल होता है। इवन देखें डिफॉल्टर की बारी आ गई वो भी चले, वो सस्पेंशन से खुल गए, फिर उसके बाद कैसे चले। फॉर सपोज एमटेक्स है वो खुल गया, उसमें से बाहर आ गया सस्पेंशन से, फिर उसके बाद 6 रुपए तक की इसने मूवमेंट दिखाई। तो इसी तरह यहाँ पर भी देखें, ये अक्यूमुलेशन अगर हम मंथली में देखें तो तकरीबन 1.5 साल की अक्यूमुलेशन बनती है ये, ठीक है ना। वैसे तो देखें इसने हाई किया था इसके, ये यहाँ पर जो है 121 का, लेकिन वैसे हम देखें तो ये यहाँ पर काफी अरसे तक ये एक्यूमुलेट करता रहा यहाँ पे, ये इन बिटवीन 99 और 73 ये यहाँ पे एक्यूमुलेट करता रहा। फिर इसके बाद देखें यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो फिर यहाँ से अच्छी मूवमेंट दिखाई, यहाँ पे तकरीबन ये 280 के करीब वापस गया यहाँ पे ये, यानी कि जो ये सपोर्ट लेवल था यहाँ का जो था 235 का, इसको भी ब्रेक किया। लेकिन देखें ये वीक का आपको बता रहा हूँ, तो उसी वीक में ही देखें इसको सस्टेन नहीं कर सका इस लेवल को, ये वाला लेवल जो था इसका जो क्लोजिंग लेवल था ये वाला, ठीक है ना। इसको ये देखें ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन ये जो अगली कैंडल थे ना इसको जो है निगेट किया अगली वीक में ही, और इसके नीचे क्लोजिंग है यहाँ पर इसकी, ये भी आपको बता देता हूँ मैं कि क्लोजिंग आई 200 रुपए के अराउंड, 200 रुपए 87 पैसे। और अब यही जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे, ये यहाँ पे देखे ना ये गैप भी था, इसने यहाँ पे गैप फिल भी करके वापस इसी के नीचे आया। ये यहाँ पे देखें, यहाँ गैप ओपनिंग हुई थी और इसके फिर ये नीचे परफॉर्म कर रहा था ये 200 रुपए 87 पैसे के अराउंड। तो इस वक्त अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मंथली पे भी और वीकली पे भी, 200 रुपए से लेके 235 रुपए तक, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है या ब्रेकआउट एरिया समझ लें। देखिए जिस तरह यहाँ ब्रेकआउट मिला तो इसके ऊपर तकरीबन सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। फिर हम फर्दर अपसाइड जो है फिर यहाँ पर देख सकते हैं इसको, ये वाला एरिया जो है अगेन 230 300, ये वाला एरिया 322, ये बिटवीन 350 टू 300 फिर ये आपको दिखा सकता है, ठीक है। अभी इस फिलहाल इसकी अर्निंग, अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ, इसकी अर्निंग आई थी 49 पैसा यहाँ से, जब इसने मूवमेंट दिखाई यहाँ से ब्रेकआउट करके 73, जो इसका जो एक्यूमुलेशन फेज था 99 73 टू 99, 99 का ब्रेकआउट मिला तो 280 तक इसने मूवमेंट दिखाई, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही है इसकी, अगर हम देखें तो क्वार्टरली अर्निंग यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूव हुई 2.95, और करंट ईयरली अर्निंग जो थी वो तकरीबन 3.43 था, ठीक है। अब ये थर्ड क्वार्टर आया क्योंकि अभी इसका फाइनल आना है, जून एंड है इसका, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखी हमने क्वार्टरली में भी और ईयरली में भी। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छी मूवमेंट दिखाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जून एंड है तो मूवमेंट यहाँ पे ऑब्वियसली बनती है, यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक। तो ये जिसका ये मैं आपको बता दूँ नेक लाइन ये है, यहाँ पर ये दिखा सकता है 169 तक मूवमेंट ये दिखा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम थोड़ा सा आ जाते हैं ट्रेंड लाइन की तरफ, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर दूं और इसको लाइन चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले भी जिस तरह मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इसको थोड़ा अपर साइड पे कर देते हैं,
ठीक। अब यहां पे देखें एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम यहां बनाएंगे। कभी भी रेजिस्टेंस ये यार सपोर्ट बनाए तो लाइन चार्ट ले लिया करें, क्योंकि विक से जो है ना आपकी जो है नॉइज क्लियर हो जाती है। यहां पे देखें सब कोई नॉइज नहीं है विक की, ठीक है। यहां पे ये हम बनाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखें जो मैंने आपको बताया था 235, ये यहीं पर ही आ रहा है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। 235 समझ ले, अगर हम यहां से भी लें तो ये 222 से लेके 235 तक ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे वीक बन सकती है या कोई ब्रेकआउट भी मिलता है तो उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है, ये मेजर है, ठीक है। इसके बाद इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं मार्क्स को यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें एक और भी रेजिस्टेंस, इससे पहले पहले कई दफा आई है, देखें यहाँ पे ये आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक आप ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस एरिया पे। अब देखें अब आपको सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रही है, मतलब आप देखें यहाँ पे प्राइस एक्शन की और ट्रेंड लाइन की सिंक्रोनाइजेशन देखें। 169 पे जैसे मैंने आपको उसके हिसाब से बताया था प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो देखें ये प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। अब इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। मैं चाहे वापिस कैंडल पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसका ब्रेकआउट बहुत मिलना जरूरी है। अब यहाँ पे देखें इसकी भी सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे तकरीबन नजर आ रही है, सीपीआर के हिसाब से देखें तो 146, ठीक है। अभी इस वक्त जो है 139 जो है यहाँ पे रिजिस्ट कर रहा है, जो इसका मिडिल बैंड है सीपीआर का। लोअर बैंड 132 है, यहाँ पे लेना चाहिए 133 समझ लें, 132.90 पैसा है। 133 पे आप ले सकते हैं, 134 पे भी ले सकते हैं, जैसा यहाँ पहले भी आया था, इसने लो किया था लास्ट वीक में 131 का। बिटवीन 133 टू 131 यहाँ पे ये बाइंग एरिया बनता है, और आज की क्लोजिंग जो हुई है फ्राइडे वाले दिन जो है वो 137 की हुई है, तो वीक बन सकती है ऑब्वियसली। यहाँ पे आप लिमिट लगा के रख दें, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये बाइंग एरिया एक्चुअली है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैसे तो देखें तो यहाँ इसकी एक्यूमुलेशन चलती रही थी, जो इसका हाई था यहाँ पे, जो इसने पहले हाई किया था ना जुलाई 2022 को और 11 जुलाई, हाँ ठीक है 18 जुलाई 11 जुलाई, ये इसका हाई था और ये इस वक्त सपोर्ट लेवल है 122.97 रुपये। यहाँ का काफी वीक्स में देखें, काफी वीक यहाँ पे ये इसको यहाँ पे रिटेस्ट किया और ऑनर भी किया है, फिर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है इस स्टॉक ने। तो यूं देखें अगर हमारे पास सामने जो है 134 से लेके 123 रुपये तक बहुत अच्छा एरिया, अगर नीचे भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी एक एरिया बाय का है। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके बताऊं तो ये एरिया ऑफ वैल्यू है 133 रुपये से लेके 123 रुपये तक, ठीक है। और अगर ये इसके ऊपर परफॉर्म करता है 146 148 147, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनती है फिर दूसरी कैंडल बनती है तो यहाँ आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ इस एरिया पे 146 147 पे, तो यहाँ पर ये 169 तक आपको मूवमेंट दिखा सकता है। फिर अगेन ये ब्रेकआउट एरिया है 169 का, इसके ऊपर जो बुलिश कैंडल बनती है, और कोई इसको देखें हमेशा याद रखें ब्रेकआउट के बाद कोई बेरिश कैंडल ना हो, बुलिश कैंडल बन रही हो तो आप फॉरन एंट्री ले लें, तो आपको फिर ये 200 रुपए से लेके 235 रुपए तक ये स्टॉक मूवमेंट दे सकता है। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें। अच्छा इसका एक और चीज हम देख लें, आरएसआई देख लें। आरएसआई जो है इस वीक पे देखें तो आरएसआई 46 पर है। अच्छा इसका जरा आरएसआई बड़ा वो करता है, मैटर करता है, देखें यहाँ पर भी देखें आरएसआई जो है यहाँ पे 50 इसके अराउंड आया था। अब ये जो है इन्हीं रेट्स पे जो है अब थोड़ा कम हो गया आरएसआई, ठीक है। जब इन ये रेट चल रहे थे तो 54 का आरएसआई था, जब मूवमेंट आ रही थी 133 से लेके 149 रुपये तक, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखें जैसे 100 जो इसका लो था 132 का था और हाई 151 का था, तो 52 का आरएसआई था। अब यहाँ आरएसआई भी काफी लो हो रहा है, दैट मींस कि यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट करके या इसको रिटेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छा दूसरा मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी, इसको मैं आपको बता दूं, ये वाला एमए जो वीकली पे और उस पर बड़ा अच्छा काम करता है MA5, ठीक है ना। यहाँ इसको आप ये इसका बाई डिफॉल्ट होता है, आप इसको यहाँ MA5 जो है इसको कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं सेव एज ए डिफॉल्ट, तो ये आपका डिफॉल्ट हो जाएगा MA5। आप जब भी प्लॉट करेंगे तो MA5 ही आएगा। तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन देखें इसकी, MA5 भी तकरीबन 140 रुपये 147 रुपये तक आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर देखें अभी तक परफॉर्मेंस इसकी हुई नहीं है,
यहां तक हो सकता है रीटेस्ट करके कोई ऐसी विक बनती है वापस नीचे आ सकता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है 147 रुपए का। इसके ऊपर परफॉर्म करता है तो इसका ब्रेकआउट भी मिलता है 154 रुपए का, फिर अगेन ये अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।